चित्रकूट भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक शहर है। चित्रकूट वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष बिताए। चित्रकूट में आज भी कड़कड़ में भगवान श्री राम बसते हैं, इसी वजह से यहां पर श्रद्धालु विजिट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। आज की इस वीडियो में हम आपको चित्रकूट की 10 सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं चित्रकूट की 10 प्रमुख जगह। नंबर 10 पर है स्फटिक शिला। कहा जाता है इसी स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम और माता सीता विश्राम किया करते थे। इस शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। स्फटिक शिला मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेंस करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का है। पीछे लखन पीड़ा ऊपर मंदिर। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया था। बताया जाता है यहां पर स्वीडन से वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने कार्बन डेटिंग जांच की और बताया यह शिला त्रेता युग से भी पुरानी है। नंबर 9 पर है जानकी कुंड। चित्रकूट का जानकी कुंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है और ये जगह नेचर के बहुत ही करीब मानी जाती है। इस स्थान पर माता सीता स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी। माता सीता के चरण चिन्ह यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहुत ही साफ है, आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ आपको जंगल का दृश्य देखने को मिलेगा। नंबर 8 पर है भरत मिलाप मंदिर। भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान जब यहाँ पर निवास करते थे, तब उन्हें अयोध्या वापस बुलाने के लिए उनके भाई भरत जी यहाँ पर आए थे। इस स्थान पर भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ था, इसीलिए इस स्थान को भरत मिलाप मंदिर कहा जाता है। नंबर 7 पर है सती अनसुईया आश्रम। दोस्तों, चित्रकूट का सती अनुसुईया आश्रम वो स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ था। कहते हैं अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया जी यहाँ पर रहा करते थे। यहीं पर माता अनुसुईया ने माता सीता जी को पति धर्म का ज्ञान दिया था। सामने जो आप मंदाकिनी नदी देख रहे हैं, कहते हैं मंदाकिनी नदी को माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से उत्पन्न किया था। चित्रकूट में अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इस आश्रम में आए थे और माता अनसुईया ने उनका स्वागत किया था। माता अनसुईया को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पति धर्म निभाने वाली स्त्री माना जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस जगह पर आकर आप नेचर को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों तरफ जंगल और बीच में बहती हुई मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी।
नंबर 6 पर है गुप्त गोदावरी। दोस्तों गुप्त गोदावरी वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल के दौरान इस गुफा में रहा करते थे। यहां पर दोस्तों दो गुफा मौजूद हैं, एक तो सुखी है और दूसरे में मंदाकिनी नदी बहती है। भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान बारिश के मौसम में हर साल यहीं पर रहा करते थे। बारिश के मौसम में इस गुफा को बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस गुफा में बहुत ऊपर तक पानी भर जाता है और यहाँ पर बिजली के तार वगैरह लगे हुए हैं तो करंट फैलने का डर रहता है, इसी वजह से इस गुफा को बंद कर दिया जाता है। नंबर 5 पर है चित्रकूट का रामघाट। त्रेता युग के समय भगवान राम इसी घाट पर स्नान किया करते थे, इसीलिए इस घाट का नाम रामघाट पड़ा। दोस्तों ये घाट बहुत ही पवित्र घाट माना जाता है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। सन 1607 में जब बनारस में हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और कहा था कि बाबा अगर आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन करने हैं तो आप चित्रकूट जाइए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास चित्रकूट के इसी स्थान पर आकर रहने लगे और यहीं पर उनको भगवान राम ने दर्शन दिए थे। रामघाट पर शाम को 7 बजे मंदाकिनी नदी के किनारे आरती भी होती है, तो आप जब भी रामघाट जाते हैं तो शाम की आरती में जरूर शामिल हो। और दोस्तों आप देख सकते हैं शाम को रामघाट और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। नंबर 4 पर है हनुमान धारा। दोस्तों हनुमान धारा काफी ऊंचाई पर स्थित है जहां पर पहुंचने के लिए आपको कम से कम 700 से 800 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ऊपर पहुंचते ही आपको यहां से नीचे का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। हनुमान जी महाराज की लंका जलाने की दाह पीड़ा जोगनी थी, वो शांत नहीं हो रही थी जी। तो प्रभु श्री राम जी से शांति मांगा, प्रभु श्री राम जी ने ये बाण मार के सरस्वती नामक जलधारा को प्रवाहित किया और यह पास शांति दिया। तब से धारा सरकार की सेवा में 12 महीने 24 घंटे निरंतर ऐसी समर्पित रहती है। ना धारा घटेगी, ना धारा बढ़ेगी, ना धारे का आने का पता है, ना नीचे जाने का पता है। धार कहाँ से आती, धारा नीचे कहाँ चली जाती, इसको हनुमान धारा, हनुमान धारा बोला जाता है। ऐसे भी आदमी कथा सरकार की इसको हनुमान धारा, हनुमान धारा बोला जाता है। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। सामने जो आप ये कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में ऊपर प्रवाहित धारा का पानी इकट्ठा होता है और कहाँ चला जाता है इसके बाद आज तक किसी को नहीं पता चला। ये धारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ को स्नान कराते हुए इसी कुंड में आकर के गिरती है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर 100 रुपए देकर के रोपवे से भी आ सकते हैं। नंबर 3 पर है कामतानाथ जी का मंदिर। दोस्तों चित्रकूट का कामतानाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां के दर्शन किए बिना आपकी चित्रकूट की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामतानाथ मंदिर विंध्य पर्वतमालाओं में स्थित कामदगिरी पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को चित्रकूट का केंद्र भी कहा जाता है। भगवान कामतानाथ भगवान राम का ही स्वरूप है, तो आप जब भी चित्रकूट आते हैं तो कामतानाथ जी के दर्शन जरूर करें।
नंबर दो पर है लक्ष्मण पहाड़ी। दोस्तों लक्ष्मण पहाड़ी कामतगिरी पर्वत पर ही स्थित है, यहाँ पर आप चाहे तो रोपवे या सीढ़ियाँ चढ़कर भी जा सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट की वो जगह है जहाँ से लक्ष्मण जी माता सीता की रक्षा किया करते थे। नंबर एक पर है कामतगिरी पर्वत। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, जहां पर प्रतिदिन लोग आते हैं कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाने। कामत शब्द का अर्थ होता है इच्छा पूरी करना, यानी इस पर्वत की परिक्रमा लगाने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर होती है। आप गर्मियों के दिनों में सुबह जल्दी या तो सूर्यास्त के बाद परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा 24 घंटे होती है, यहाँ पर रात को लाइट्स की भी व्यवस्था है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने में वैसे 1 घंटे लगते हैं, अगर आप सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि चित्रकूट आना चाहते हैं। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ।